नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो हम बनाएंगे वोल्टेज आईसी विदाउट ट्रांजिस्टर के। तो दोस्तों इसको कैसे बनाना है इसकी फुल डिटेल मैंने वीडियो के अंदर बता दी, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों कई बार क्या होता है जब भी हम कुछ लो वोल्टेज के मोटर वगैरह को चलाने के लिए दोस्तों हम कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, तो दोस्तों हमें यहाँ पर वोल्टेज आईसी की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 7805 वोल्टेज आईसी का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों कई बार क्या होता है हमें इस तरह की कोई आईसी नहीं मिलती, तो उस केस में दोस्तों हमें यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लेने हैं जिसकी वैल्यू दोस्तों BC547 है। उसके बाद में दोस्तों ट्रांजिस्टर की लैग को दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से खोल लेना है। खोल लेने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस ले लेने हैं। यहाँ पर मैंने दो रेजिस्टेंस ले लिया दोस्तों, ये 47K के रेजिस्टेंस है, ये देख सकते हो ये 47 kΩ के दोनों रेजिस्टेंस है। उसके बाद में दोस्तों रेजिस्टेंस को आपको कुछ इस प्रकार से बैंड कर देना दोस्तों, थोड़ा सा मोड़ कर इसको। उसके बाद में दोस्तों इसको ट्रांजिस्टर के ऊपर आपको कुछ इस प्रकार से सोल्डिंग कर देनी है। चलिए दोस्तों कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो इसकी एक्स्ट्रा लैग वगैरह है दोस्तों इसको कैंची की मदद से कट कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों दूसरे वाला रेजिस्टेंस ले लेना है। दूसरे वाला रेजिस्टेंस लेके दोस्तों जो हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस लगाया उसी के आगे दोस्तों इसको दूसरे वाले को लगा देना है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों तो इसमें इनपुट और आउटपुट की वायर लगानी है। आउटपुट के लिए दोस्तों माइनस वाला हमारा रेजिस्टेंस के साथ में रहेगा और नेगेटिव पॉजिटिव वाला दोस्तों हमारा ट्रांजिस्टर के साथ में। चलिए दोस्तों वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो वायर कनेक्ट कर लिए, रेड एंड ब्लैक। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर इनपुट जोड़नी है। इनपुट दोस्तों हमारे पॉजिटिव वाली ट्रांजिस्टर के फर्स्ट लेग में और नेगेटिव वाली दोस्तों हमने जहाँ पर आउटपुट की वायर जोड़ी है उसके साथ में। ये देखिए दोस्तों हमारे दोनों वायर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों चलिए इसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने चिमटी में इसको कुछ इस प्रकार से लगा दिया। अब इसके आउटपुट और इनपुट दोनों वायर यहाँ पर लगी हुई है। इसके इनपुट वायर के अंदर दोस्तों हम यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के लिए मैंने यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाई थी, मैं इसका यूज करने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर बैटरी के वायर को ट्रांजिस्टर के वायर और इनपुट वायर के साथ में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर मल्टीमीटर से आपको इसकी आउटपुट एक बार चेक करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मल्टीमीटर को मैंने वोल्टेज पर सेट कर दिया। उसके बाद में दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर मल्टीमीटर की पिन को दोस्तों आउटपुट वायर पर लगा रही, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 4.41 करके कुछ वोल्टेज आ रही। तो दोस्तों कैसे आपने देखा यहाँ पर 12 वोल्ट को कुछ ही मिनटों में दोस्तों हमने यहाँ पर एक छोटी सी आईसी बनाकर इसको वोल्टेज को कम कर दिया। इसी प्रकार से दोस्तों आप भी जब कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए आपको कम वोल्टेज चाहिए तो आप इस आईसी का बनाकर यहाँ पर इसको यूज करके दोस्तों अच्छे से प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे मज़ेदार वीडियो में। जय हिंद जय भारत।